जनपद में कार्तिक पूर्णिमा का पर्व राप्ती नदी के तट गोरखनाथ घाट और श्री राम घाट पर मंगलवार को आस्था और श्रद्धा के साथ मनाया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने राप्ती नदी में आस्था की डुबकी लगाई और दान पुण्य किए। आपको बता दें कि कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर श्रद्धालुओं ने भागवत सत्यनारायण का व्रत रख कर कथा सुनी और गोदान किया। रात्रि तक श्री राम घाट पर मेले जैसा नजारा देखने को मिला। यहाँ पर भोर से ही श्रद्धालु राप्ती तट पर पहुंचने लगे थे। दोपहर तक श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाते रहे और पूजन अर्चन करके दान पुण्य किया। श्रद्धालुओं की किसी तरह स्नान करने में परेशानी ना हो, इसके लिए नगर निगम की ओर से बैरिकेडिंग और पर्याप्त लाइट की भी व्यवस्था की गई थी तथा पुलिस प्रशासन सुरक्षा को लेकर चाक चौबंद रहे। स्नान करने के वक्त कोई श्रद्धालु नदी में ना डूबे, इसके लिए जिला आपदा प्रबंधन की तरफ से NGRF और SGRF की टीम तैनात रही। जिसके संबंध में स्नान करने आए श्रद्धालुओं ने बताया कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन विशेष स्नान माना जाता है, इसलिए लोग नदियों पर जाकर स्नान करते हैं। अगर कोई गंगा स्नान नहीं किया रहता है और कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान करता है तो उसके पूरे महीने का पुण्य फल मिलता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन माता तुलसी की विदाई होती है। उन्होंने बताया कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन बछिया छुआने से लेकर अधिक से अधिक दान पुण्य करने पर भी सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और घर में हमेशा खुशहाली बनी रहती है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए स्नान करने आए श्रद्धालुओं एवं CO कैंपियरगंज योगेंद्र सिंह ने कहा। Yeah.
देगा। ब्यूटी कम सेल्फी ज्यादा। परमात्मा श्री से एक बार आकल पे कम्बोजी पे भारत कल्ले आ गया होते कौन क्षेत्र माता नाम मासुक्त में कार्तिक मान से शुक्ल पक्षे अपन अपन नाम ले लिया दक्षिणा कर अच्छा कर गया दुख का दूर कर गया भोसा कर के पार कर गया सदा कल्याण जय जयकार कर गया। आज हम लोग बहुत अच्छे से नहाए हैं और डुबकी लगा के नहाए हैं। व्यवस्थाएं बहुत अच्छी थी लेकिन हम लोग थोड़ा सा किनारे नहा रहे थे तो हम लोग का पैर धंस रहा था लेकिन बहुत अच्छे से हम लोग नहा लिए। हम लोग यहाँ 3 साल से आ रहे हैं और आगे भी आएंगे फिर हम लोग। नहीं बहुत अच्छा लगा और बहुत अच्छा। आज के दिन नहाने से क्या होता है? आज के दिन नहाने से लोग कहते हैं मतलब बहुत अच्छा होता है। लोग कहते हैं दुख भला दूर होता है, दान पान करने से घर में गरीबी कटता है, यही सब लोग बता। हाँ नहाने आए तो हम तो धंस रहे थे उसी में दलदल में। अब क्या कहे आपको पढ़ाई अभी इतना बाबा को ये नहीं सोचना था कि बालू का वो लगा देने के बोरिया घाट है। देखिए पब्लिक को कहना चाहिए देना चाहिए था ना। अभी बाढ़ नहीं नहाए नहाने के लिए। नहाने के दिन क्या हाँ आज के दिन बहुत अच्छा दिन माना जाता है। कार्तिक आज मैं राम जी का अतिथि बना है इसीलिए सरजी जी मेरे स्नान किया जाता है। सोनम सिंह आज कार्तिक पूर्णिमा है इसलिए लोग आज के दिन विशेष नहान होता है इसलिए लोग नहा रहे हैं अपना। क्या होता है आज के दिन नहाने से? आज के दिन नहाने से ऐसी मान्यता होती है जो पूरे कार्तिक जो गंगा स्नान नहीं किए रहते आज के दिन भी स्नान कर ले तो पूरे महीने का पुण्य फल मिलता है कार्तिक वर्ष का। इसका महत्व यही है आज के दिन ऐसी मान्यता है कि तुलसी जी की जो है कि विदाई होती है, पूर्णिमा है, आज गुरु नानक जयंती भी है तो आज के दिन ऐसा विशेष महत्व है कि स्नान जो है पूरे साल के जो है कि स्नान का गंगा नहान का फल मिलता है। लोग यहाँ बाछी छुड़ाने का भी काम कर रहे हैं क्योंकि आज के दिन है कि आप जितना दान पुण्य कर ले चाहे बाछी छूने से लेके आप आटा दाल चल कुछ भी दान करें आज के दिन का दान पुण्य किया हुआ लोग कहते हैं सर करोड़ों गुना मिलता है। इस मान्यता के साथ लोग अपने आस्था में दान पुण्य कर रहे हैं। राजेश कुमार पांडे
आज कार्तिक महात्म का दान महाकल्याण और दान पुण्य दया धर्म हर तीर्थ के अंदर में स्नान करने से पुण्य का भागी बनते हैं और जो है सदा कल्याण उनका होता है, उनके परिवार के सदा कल्याण होता है, बाल बच्चों को सदा कल्याण होता है। क्या महत्व होता है आज के दिन कार्तिक पूर्णिमा का दिन महात्म का यही है, इसका जो है पुण्य का कि स्नान नदी नाला तालाब में करने से सदा कल्याण होते हैं, पूरे परिवार के लोग हमेशा सुख शांति से रहते हैं। बाची छुआने का परंपरा चल रहा है। हाँ, बाची छुआने का गौदान का महत्व सबसे ज्यादा है आज कार्तिक महात्म के दिन। ये चूंकि सुबह से ही यहाँ पे भीड़ है तो इसके पहले से ही पुलिस व्यवस्था पूरी तरीके से की गई हुई है, कई सेक्टर्स में बांट के इन घाटों को वो फोर्स लगाया गया है, जो रूट व्यवस्था है उसके लिए अलग से फोर्स लगाया गया है, जो पार्किंग व्यवस्था की गई उस साइड में उसके लिए फोर्स अलग से डिप्लॉयमेंट किया गया हुआ है, जो घाट के अंदर है वहाँ पर बैरिकेडिंग की गई हुई है, अनाउंसमेंट सिस्टम लगाया गया है जिससे किसी की तरीके कोई समस्या ना हो। पार्किंग की व्यवस्था अपोजिट साइड में की गई है, जहाँ पर जो श्रद्धालु आ रहे हैं अगर वो अपने निजी वाहन से आ रहे हैं तो उसको जाके वहाँ पार्क कर सकते हैं। कितनी भीड़ होने की संभावना है? भीड़ तो बराबर चली आ रही है क्योंकि 3-4 बजे से ही लोगों का लगातार आना और जाना लग रहा है, लगभग 50,000 के आसपास तो अब तक भीड़ आ जा चुकी होगी यहाँ पर। ये 9-10 बजे तक तो अभी भीड़ रहेगी।